प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नाती नू तापम, अदले बदले लेखे लेखा, समझ बूझ सुन ज्ञान विवेका। कि तुम तो ऐसे ही एक दूसरे का टिट फॉर टेट करने के लिए जन्मते मरते रहते हो, और हमारे ज्ञान पर विचार करो, तुम्हारे इन सब संस्कारों को सुलझा देंगे। तो पुनात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म कैसे हुआ? परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे कबीर परमेश्वर जी, क्या कहा करते थे, अपनी प्यारी आत्मा, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना सुनाई थी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अपनी महिमा आप बताओ परमात्मा, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखनारा। ओए होए, अपनी महिमा आप बताते हुए क्या बता रहे हैं कि इन सब से एक भगवान और है राम। क्या बताते हैं, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, जो कथा मैं तुझे बताने जा रहा हूं, ये ज्ञान सब जीवों को बताना। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की अब जन्म पत्री बताता हूं, इनकी कैसे जन्म हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, ही सब संशय तुमरे मिट जाई। कैसे, थोड़ा संक्षेप में सुना दूंगा, इसमें बुद्धिमान जीव की जो है सब शंकाओं का नाश हो जाएगा। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाण्या, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ओए रमता राम जपो रे प्राणी, अब तुम सुन ले राम कहानी। ये राम कहानी आपको सुनाई जा रही है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। कहती है ज्ञान जो मैं सुनाने जा रहा हूं, इसको बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे वो तो गदगद हो जाएंगे, क्योंकि प्रमाण साथ देगा ये दास। पहले तो मालिक ने यही ज्ञान अपना सिंपल वे से सुना दिया, वो तो मालिक थे, जो बोल रहे थे वह सच्ची बोल रहे थे, लेकिन उस सत्य को सच स्वीकार नहीं होने दिया हमारे को, न ज्ञानी ऋषि में ऋषि नकली गुरु ब्राह्मणों ने। वह कहते थे ये दुलाहा धारणक झूठ बोलता है, ये जो बोलता है राबरमा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी माता है दुर्गा है, ये कहीं पुराणों में नहीं लिखा है। और यही कारण था कि वो ज्ञानी आज तक समझ नहीं सके उन पवित्र पुराणों को, जो आज वो काम भी इस दास ने करना पड़ा, जो हमारा चैप्टर को हमारा सिलेबस भी ना था। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। कहते जो मैं कहने जा रहा हूं ना आपको, बुद्धिमान तो मान लेगा, लेकिन मूर्ख तेने का झूठ बोला, झूठ बोला है, आप अपनी सब गाँव है। क्या बताते हैं, क्या बताने जा रहा हूं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अतिशोभा, देव निरंजन तन मन लोभा।
कामदेव धर्मराय सताए देवी को तुरंत धर खाए। यानी काल के अंदर रजोगुण प्रभावित हुआ दुर्गा को देखकर, युवा लड़की को देखकर उसके साथ दुष्टता की। पेट से देवी, वो उसके पेट में चलेगी काल के में, पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब तहां हम आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। कहते जब उसने वह पेट में रोई काल के गर्भ पेट में चर्चा कर रोने लगी, उसके बाद हम वहां पहुंचे, फिर दुर्गा का पेट से निकाला, उसकी उबंध छुड़वाई। सतलोक में की ना दुराचारी, काल निरंजन दी नैनकारी, माया समेत दिया भगाई, सोलह संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय को हिकमत की ना नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा फिर प्रेग्नेंट हुई, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए ओए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें योजक धोखा खावे। तीन पुत्र अष्टंगी ने उत्पन्न किए जाए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये तीनों देवता इस काल के विस्तार को चला रहे हैं, और इन्हीं देवताओं को सुप्रीम मान के ये जीव इनकी पूजा करके धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। कहते परमात्मा के बारे में जानकारी कैसे जीव पा सकता है, यू काल सबको भ्रमित रखता है, उल्टा ज्ञान पढ़ाता है। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अपने पुत्रों को ये तीन लोक का राज दे दिया, पृथ्वी लोक का, पाताल लोक का और स्वर्ग लोक का। और स्वयं कहते हैं सुन इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर में जाकर गुप्त रहता है, वहीं दुर्गा को साथ रखता है। दुर्गा अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है, ये अपने वास्तविक रूप को किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तीन लोक अपने सुत दीन, अपने पुत्रों को तीन लोक दे दिए, और सुन निरंजन बासाली ने ऊपर निवास करता है इस प्रत्येक ब्रह्मांड के, और फिर 21वें ब्रह्मांड के सबसे ऊपर भी ये पहुंच जाता है। अलख निरंजन सुन ठेकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु भी इस निरंजन अपने पिता के बारे में जानकारी नहीं रखते। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन काव्य पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता काल की साधना करते, ओम नाम का जाप करते हैं, लेकिन ये निरंजन को दर्शन नहीं कर पाए। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 11 के 47-48 मैं स्पष्ट किया है कि मैं ये मेरा वास्तविक रूप है जो अब तेरे को दिखा अर्जुन, ये मैं काल रूप है मेरा, और मेरे दर्शन ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, ना यज्ञ से कोई नहीं कर सकता। वेदों वर्णित विधि ओम नाम का जाप और यज्ञ, नथिंग एल्स, इनसे ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, प्रभु प्राप्ति नहीं है, अन्य उपलब्धियां हो जाती हैं। कहते हैं अर्जुन तेरे से पहले मेरे को आज तक किसी ने ना देखा, ना आगे देख सकता। यानी इससे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। तो कहते हैं तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुनः धूर उड़ाए। तीन के सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इस काल के दुर्गा के तीनों पुत्र हैं, और इन तीनों के ये अज्ञानहीन अंधे, ये बोली आत्माएं इनकी पूजा करते हैं। अपुन आत्माओं, ये इतनी कड़वी कुनीन है कि इसको शीघ्र से सहन नहीं कर पाता प्राणी, लेकिन दास के पास पूरे अरेंजमेंट हैं इस कड़वी कुनीन को आपके अंदर पहुंचाने के। अभी दिखाता हूं आपको
श्रीमद् भगवत गीता में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों की क्या को क्या लिखा हुआ है। अकाल पुरुष काहू नहीं चिन्ह्या, काल पाए सभी गैलीना, ब्रह्म काल सकल जग जाने, आद ब्रह्म को न पहचाने। इस ब्रह्म काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने तो सारे भगवान मान रहे, और आदि ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म उसको कोई नहीं पहचानता। तीनों देव और अवतारा ताको भजे सकल संसारा, तीनों देवताओं को और इन्हीं के अवतारों को, इन्हीं को पूजा कर रहे हैं सारा संसार। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा, ये तीनों गुणों का ही विस्तार है, तीनों गुणों से ही ये सब ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से सब व्यवस्थित है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। अपनात्मा, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता दिखानी पड़ेगी। अपनात्मा, परमात्मा की महिमा आपने बहुत सुन रखी है और खूब गीत गा रखे हैं। जब तक आपके हृदय में भगवान के वास्तविक ज्ञान और वास्तविक वे ऑफ वर्स यानी यथार्थ पूजा की विधि, आपको ये फाइनल नहीं हो जाएगी कि ये साधना सही है, यही भगवान फाइनल है, तब तक आप भक्ति कर नहीं सकते। ठीक है, दुख में दो साल तुम भक्ति कर लोगे या साधना भी कर लोगे, फिर सुख हो जाएगा, फिर काल घसीट ले जाएगा, कोई आके सिर फिरा सौ बात बना होगा, वहाँ क्या रखा है श्री भगवान, तो वो था तुमने छोड़ दिया, क्यों सुख होंदे भगवान से दूर, यू काल कर देता, अप हो लेता ही जीव। या इसमें एक अवगुण है जो हमें सतलोक से बुराई लगी थी। पहले आपको थोड़ा से सिंपल परमात्मा ने जो कहा है कि तिनके सुत है तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र हैं, और अंदर जीव इन्हीं की करते हैं पूजा, अंधे जीव इन्हीं की पूजा करते हैं। भाव यह है कि ये पूजा के योग्य को ना, पूजा तो एक की करनी है, जड़ की करनी है, मूल की करनी चाहिए, जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में बताया कि उल्टा लटका व संसार रूपी वृक्ष है, और इसका ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ की पूजा करने से टहनियां अपने आप प्रफुल्लित हो जाती हैं, सभी देवता अपने आप हमारे सीधे साथ हो जाते हैं, हमें वो लाभ देना शुरू कर देते हैं। अब यहां प्रसंग आया था कि तीनों देवताओं की पूजा अंधे लोग करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञानहीन नेत्रहीन। ये तो भगवान ने कहा था 600 वर्ष पहले कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और काल उसका पिता है, लेकिन नकली ऋषियों में ऋषि ब्राह्मणों ने हमें अपने पिता के दुश्मन बना दिया, कबीर परमेश्वर के शत्रु बना दिया, काशी के वासियों को कि झूठा है, कपटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये जो है ना तोहीन करता है, उनकी बेइज्जती करता है, उनको उनके माता पिता बताता है, उनको नाशवान बताता है। और कहा करते कि कबीर तो संस्कृत नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों और पुराणों के बारे में। उस समय इनकी दाल गलगी, लेकिन पुण्यात्माओं अब तो परमात्मा ने कहा कि और ज्ञान सब ज्ञान रड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसमें आपको दिखाते हैं ये श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके सातवें अध्याय को हम आपको दिखाते हैं। सातवें अध्याय में इस गीता ज्ञानदाता ने, यानी काल गीता ज्ञानदाता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है अपने पुत्र में। अत सप्तमो अध्याय, सातवां अध्याय प्रारंभ, इसमें प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से संपूर्ण समग्र
विभूति बल तो मुझको संयत संशय रहित जानेगा उसको सुन। कहते हैं ई बिसा ज्ञान सुनाऊंगा कि तू मुझको समझेगा तो उसमें संशय रहित हो जाएगा मैं के हूं। दूसरे में कहा है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यत्न करने वालों में योगियों में भी कई कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको जानता है, तत्व से जानता है। अब देखो इसका अर्थ है कि यू ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा इतने इसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। यहां देखो 12 से प्रारंभ करेंगे अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 12, ये 7 और ये 12। इसमें क्या कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। सतोगुण से क्या है सती थी, और रजोगुण ब्रह्मा जी से रजोगुण से उत्पन्न होने वाले तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करके आगे चलेंगे। इस काल को ज्योति निरंजन को ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का श्राप लगा हुआ है और 25% ये और उत्पत्ति करता है। प्रतिदिन 125,000 उत्पन्न करता है, 100,000 खाता है। और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब यहां से हम आगे चलेंगे। तो ये काल कहता है कि जो ब्रह्मा से उत्पत्ति सतोगुण विष्णु से तो सती थी, रजोगुण ब्रह्मा से जो उत्पत्ति और श्री तमोगुण शंकर से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूं, इसका निमित्त मैं हूं। लेकिन मैं इन में नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये वो अलग रहता है, इनसे अलग है। तो यहां देखिए रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी का प्रमाण। अब केवल हिंदी में इन्होंने बहुत कुछ छुपा दिया, इनकी समझ में ना आया उसको गलत छोड़ दिया या गलत अनुवाद कर दिया। श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित, इसमें संस्कृत साथ है, भाग प्रथम ये देखिए। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके तीसरे स्कंद में अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, ये तीसरा स्कंद यहां प्रारंभ हुआ। और इसके 11वें पृष्ठ पर ये देखिएगा 11वें पृष्ठ पर और तीसरे स्कंद में और 5वें अध्याय का और 8वां श्लोक पढ़ेंगे। 7वां समाप्त हुआ, 8वां शुरू हुआ। हे माता, ये शंकर भगवान अपनी माँ दुर्गा को बोल रहा, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं, क्यों युक्त किए हैं, युक्त क्यों किए हैं। अब ये तो आपने हिंदी पढ़ी, इस संस्कृत पढ़ कर देखेंगे क्योंकि हम नागरी लिपि से परिचित हैं। संस्कृत है 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना
न सदाम्बिके कथम अहम विहित चय। शंकर जी कह रहे क्यों, किस प्रकार, क्यों मुझे बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बनाया, रचा, उत्पन्न कराया। और कमल जय मानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया। और सुविता किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। वैसे तो आपने तीसरे स्कंद में देवी पुराण में यह भी पढ़ लिया था कि तीनों गुणों से उत्पन्न हम, केवल हिंदी वाले में शंकर ब्रह्मा और विष्णु हम नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये पुराण आपका समझ में आवेगा, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इस पुराण यानी इस पवित्र पुराण देवी भागवत को के अंदर प्रमाण देखने के बाद अब आपके हृदय में ये तत्व ज्ञान, गीता जी का ज्ञान के ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है, ये आसानी से गले उतर जाएगा। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सातवें अध्याय का बारहवां श्लोक फिर पढ़ांगे। और भी जो रजोगुण, ये कोड वर्डों में है, सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव यानी विष्णु तत्, सतोगुण माने विष्णु से जो सतीथि होती है जीवों की, और जो रजोगुण से और तमोगुण से अर्थात सृष्टि और विनाश जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी से होता है, होने वाले हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि वो उनके मुझसे ही हो रहे हैं, मेरे कारण ही हैं, मैंने ही उनको ये ड्यूटी दे रखी है, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं, क्योंकि अलग रहता उनसे। तेरमा गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, यानी इन तीनों गुणों के कार्य रूप सात्विक विष्णु जी, राजसी ब्रह्मा जी, राजस और तामस शिव जी की ही पूजा, इसके ऊपर ये तीनों प्रकार के भाव में ये सारा संसार प्राणी समुदाय इसमें मोहित हो रहा है, इन पर आसक्त है, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ऊपर जो अलग से मैं हूं वो मुझे नहीं जानते। एक बार फिर दिखाते हैं आपको श्री शिव पुराण, इससे ये और थोड़ा सा सहयोग मिलेगा आप जी को इस पवित्र ज्ञान के समझने में। ये श्री शिवपुराण देखिएगा, ये है श्री शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये और इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार हैं। ये देखिएगा इसके 110 पृष्ठ पे है, रुद्र संहिता नौमा अध्याय, रुद्र संहिता ये नौमा अध्याय यहां समाप्त होता है, पृष्ठ नंबर 110 संक्षिप्त शिव पुराण नौमा अध्याय समाप्त होता है, इसके बिल्कुल ऊपर है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव यु काल गुणातीत माने गए हैं, यो ब्रह्म ये गुणातीत, ये इनसे अलग है, इनसे नारा है। और ये श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12, 13, 14, 15 में
ये स्पष्ट हो रहा अपने आप कि ये काल गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये कहता तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सदगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, जो जो हो रहा है, स्थिति उत्पत्ति स्थिति और सहार, इसका मुख्य कारण मैं हूँ, लेकिन ये मुझ में नहीं और मैं इनसे अलग है, भिन्न है। प्रमाण देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये टट जाता है कई बार बोलने तो दूसरा पटा, ये देखिएगा अध्याय नंबर सात क्या, अभी आपने 12वां श्लोक सुना पढ़ा के, और भी जो सतगुण विष्णु जी से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, रजगुण ब्रह्मा जी से यानी सती उत्पत्ति, तमगुण शिव से संहार, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। और कहते हैं 13वें में कहा है गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों प्रकार के भावों से इन में आसक्त है ये व्यक्ति, ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अपनात्मा इसे स्पष्ट हो गया कि कोई और देव भी हैं इस ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों गुण ये देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ संकेत है, क्योंकि गीताजी कोड वर्डों में ज्यादा है नहीं जानता। अब देखना 14 और 15 में कमाल हो गए, अध्याय नंबर 7 का ही अब श्लोक नंबर 14 और 15 देखियो, तोड़ पाड़ दिया कति पवित्र गीता जी ने, कमाल कर दिया। ये 14वां श्लोक है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल नॉन एज द त्रिगुण माया, ये त्रिगुण माया मेरी माया त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठा हुआ अधिक लाभ मिल जाता है। भजते हुए इस संसार इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात जो वेद आधार से ब्रह्म की साधना काल की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा वो नहीं करते और उनको उससे अधिक लाभ मिल जाता है। और फिर क्या बताते हैं 15वें में कमाल कर दिया, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले लाभ पर ही आसक्त हो गए हैं, जो और किसी के बारे में इनसे आगे किसी देव की बारे के विषय में सुनना भी नहीं चाहते, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। इस ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन्हीं की पूजाएं करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूड लोग मुझको नहीं भजते। देखो ना, वो भी कोई भजन के हैं, वो तीन और तीनों देवता इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की पूजा नहीं करते, वो तो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मूर्ख मुझे नहीं भजते, ब्रह्म साधना नहीं करते। अपने आत्माओं अब फिर देखना परम पिता की अमृतवाणी, अब आसानी से समझ में आओगे आपके। तीन देव सो उसको धावे निरंजन का व्यापार न पावे, तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब दुर्गा पुराण में कति बहुत अच्छा विस्तार है, अब समय का अभाव देखो पुनात्मा, ये 2 घंटे हो गए और ये है सत्यनारायण कथा। अब तो शुरुआत हुई है, तो दास आपको बताना चाहता था, 2 घंटे और लग गए, जब कुछ बात सुलझन में आवे ये इतना जटिल बना दिया, नहीं तो मैं सीधी कथा सुना देता जो मालिक ने वाणी बोली इसको सुलझा देता, लेकिन 10% व्यक्तियों का भी अब बात दस है को ना, जो मालिक ने 600 वर्ष पहले सच्चाई बोल रखी थी,
इन अज्ञानियों ने परमात्मा को लाल को तो कौड़ी बता रखा और कौड़ी को लाल सिद्ध करके हमारी जेब ठोक रखी इन पत्थरों की कंकरों की। मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस ये जग चुगता डेल रे। ये डड़े चुगा दिए मारे ते कंकर पत्थर के गठड़ी बंधवा दी और हीरे माणक मोती जो आज परमात्मा बरसा गए थे 600 साल पहले, ये हम कोसों दूर करा दिए, आज हमने उनको फिर पहचान लिया। अब फिर धनी हो जाएंगे हम, सतलोक चले जाएंगे जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। पुणात्माओं यहाँ तो मृत्यु होगी, ये आपका सिर्फ अटकल सी लाग रही है, अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि जो 20-25 वर्ष का ने सोचा भी तो बहुत लंबी उम्र है, टट्टू उम्र है, तड़के ना जाने के बिजली गिर जाए। तो यह भूल हमारे काल ने ला रखी है, यह हटानी पड़ेगी सबसे पहले, और चालन की तैयारी 24 घंटे रखनी पड़ेगी। कदे चालो परमात्मा, यू रह गया फलाना रह गया, नू सोच के फिर अड़े फंसे रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं गा, मर्यादा में रहोगे तो आपकी आयु भी एक्सटेंड होगी। तीन देव और अवतारा ताको बजे सकल संसारा, गुण तीनों का ये विस्तारा धर्मदास में कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पारे। ओह, अब तीनों गुण की भक्ति रज गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की साधना में सारा संसार भूला पड़ा है, और निज नाम बिना तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा। अपने आत्मा परमात्मा का जो 600 वर्ष पहले लिखी हुई जो अमृत वाणी थी वो आपको सुनाई। अब ये और थोड़ा सा सिद्ध करना पड़ेगा आपको, ये आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर में, यही सृष्टि रचना। अब ये देखिएगा, ये पवित्र कबीर सागर, अब कई कबीर पंथी क्यों ना तो कबीर सागर का ज्ञान वो बहका देते हैं पुण्यात्माओं को, देखो पुण्यात्मा ये इतना मोटा कबीर सागर है, चारों वेद मिला दे तो भी ये इनसे मोटा पड़े, क्योंकि वो तो अनुवादित है हमारे पास हैं, और ये बिल्कुल सीधी सी वही वाणी है, वो दोहे और श्लोक हैं जैसे वेदों के होते हैं। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई के द्वारा ये प्रकाशित है। इसका कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, इसके द्वारा ये संशोधित है, संपादक ये है इसके। और यहाँ देखिएगा ज्ञान बोध बोध सागर में, ज्ञान बोध ये अध्याय है बोध सागर का, 20-21 पृष्ठ पे यहां यही लिखा है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए नाम नियारा। ये राम है, ये मिसप्रिंट इन कबीर पंथी ने थोड़ा बहुत उड़ जा दिया इसमें। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराही, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग भेद पुराना, आदि राम का भेद न जाने। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने।
ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बन छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाणा, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव करे आहारा। ओए होए, तीन लोक के जीवों को खाता है ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, नए ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न कर लेगा। इनको भी खावेगा वो उनके अपने पुत्रों को। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करते हैं सेवा। है अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। तीन देव असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्म दास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। एक भक्त मिला, कहने लगा जी आपने कबीर सागर में दिखाया ना वो प्रमाण, ओहो मेरा तो सारा अंधेरा हट गया। वो कबीरपंथी था पुराने समय का। जो बोला मैं तेने सोचो था महाराज जी की तो औरत है, अपनी घर की बना रहे होंगे या वाणी जो सुनाओ है तरफ सृष्टि रचना की। हर इसमें देखा तो मैं तो गदगद हो गया। फिर मन घर जाकर मिला पुण्यात्माओं, ये रोड़ा पड़ रहा मेरे साथ में। गीता पढ़ने वालों को गीता में ज्ञान नहीं, क्या लिख रखा है। कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ में ज्ञान नहीं, इसमें वास्तविकता उसके सारांश से परिचित नहीं। और इसको ये बाइबल को पढ़ने वालों को बाइबल में नहीं पता क्या लिखा है, उसके सारांश को घोटता रहे हैं वह न्यू ना पता। उस ये बताओ भगवान को, गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार बताओ ईसाई। और बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले लिख रखा है कि भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसे ही उनको उत्पन्न किया, तो भगवान निराकार कैसे हुआ। पुण्यात्माओं, वेदों के पढ़ने वालों को वेदों में नहीं पता वेद क्या बताते हैं। निराकार निराकार का ढोल पीट है। और वेदों में लिख रखा है भगवान साकार है, और वहाँ से चलकर यहाँ पर आता है, वो विराज ऊपर एक लोक में रहता स्थान पर रहता है, वहाँ से सबका कंट्रोल करता है। उसके बारे में परमात्मा क्या बताते हैं। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर। वो निर्मल आनंद कंदरे, मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर। वो निर्मल आनंद कंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही। ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कटिया ना जमका फंदरे। नर नारायण देही पाकर, जय कटिया ना यम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धक्क है वा की जिंदरे।
मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नगसीपन सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करे गोविंद रे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करे गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंदरे। गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। मन मान सरोवर मेल रे बहु सागर से पार उतारे वो अगम अगोचर खेल रे। मन मान सरोवर मेल रे बहु सागर से पार उतारे अगम अगोचर खेल रे। सरवण बिना शब्द एक सुनिया पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो जे जहाँ दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। पांच पच्चीस तीन पर तकिया यौमन सुन सकेल रे। वृंदबान ले बुद्धि का बांधो बहुजल नौका पेल रे। या बारू कैसी गांठ बंधी है नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में संग ना चाले देल रे। हस्ती घोड़े अर्थ पाल की ताजी घाल हमेल रे। सूर्य हो के शीश कटावे लावत है तन सेल रे। एक पापी एक पुन्नी आया एक है सोम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन सब ही काल की जेल रे। पुण्यात्माओं ये ऐसी अनमोल वाणी अमृत वाणी कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीब दास जी के हृदय में भरी। उस प्यारी आत्मा ने फिर उसमें फिर डाउनलोड करी। अब ये बाहर डाउनलोड हो रही है आज हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। अब इसमें क्या बताया है एक पुन्नी एक पापी आया एक है सोम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन सब ही काल की जेल रे। अब क्या बताते हैं अस्ति घोड़े अर्थ पाल की बारू कैसी गांठ बंधी है नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी भया जगत में संगना चाल देल रे। अब इन दो पंक्तियां ने समझाने की खातिर दो घंटे और लग गए पर शॉर्टकट में बताएंगे अब समय हो गया है। कहते हैं ये शरीर है तेरा ऐसा बना रखा है जैसे बालू रेत की दीवार बना दिया करें। बालू रेत इधर राजस्थान की साइड में देखे हमने ऐसे बालू की ढाब दीवार सी बना देते हैं। उसको पानी गिर गिर कर दो फट्टे से ला कर पानी रख देते और वो इतनी अस्थाई होती है हवा से वहाँ गिर जाए तेज बरसात जाए सारी कट जाए। उधर वर्षा कम होती है जिस कारण से वो कुछ दिन चल जाती है। कहते हैं शरीर तेरा या बाड़ू के सी गांठ बांध कर तेरे को दे रखिए ना जाने किन कारणों से कब विनाश हो जाए। और फिर क्या बताते हैं लखी करोड़ी करोड़पति लखपति बना बैठा जगत में और मरते कहते संगना चाल धेल रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम एक पलक में राज विराजी व जम के पड़े जंजीरम। एक पुन्नी एक पापी आया एक है सोम दलेल रे। जब तक ये यथार्थ भक्ति ना मिलती कोई तो बकरे काटन पर लाग रहा है पाप पमंड रहा है कोई की तो धर्म भंडारे कर रहा है कि तो हवन की सवा सवा कर रहा है। कहते हैं अगर कोई पुण्य भी करता है विधिवत साधना ना करके कोई पाप भी करता है वो भी काल की जेल में
और पुण्य करके कहाँ जाते हैं, स्वर्ग ब्रह्मलोक में जाकर फिर 84 लाख योनियों में। तो ऐसी जो साधना है ये भी तुम्हें पार नहीं होने देंगी, काल के जाल में रखेंगी। एक पुण्य एक पापी आया एक है सोम दलेल रे। एक तो धर्म व्यक्ति है, धार्मिक है, धन दान करता है, और एक कति कंजूस है, कति नहीं दान करता। कहते हैं अब ये सारे के सारे काल की जेल में ही है, और जैसे हम विधि बताते हैं उस सतनाम भजन बिन। एक पुण्य एक पापी आया एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतनाम भजन बिन सभी काल की जेल रे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर आते हैं, उस अमर लोक से चलकर आते हैं, गति करके आते हैं यहाँ काल के लोक में। हम काल के जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को अपने निज स्थान का वो ज्ञान कराते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम यहां आकर के अपने अस्तित्व को भूल चुके हो। पुण्यात्माओं यहां आप देख रहे हो कोई कितना ही गलत काम करता है, चाहे कोई कसाई है, चाहे वैश्या है, चाहे कोई और सूदखोर है, डाकू है, चोर है, या कोई नेक आत्मा है। 90% मानव शरीरधारी प्राणी परमात्मा की अवश्य ओट लेते हैं, परमात्मा को अवश्य याद करते हैं। भले ही उनको परमात्मा की याद करने का उद्देश्य केवल इतना ही हो कि मेरा कारोबार ठीक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे, इसमें कुशल मंगल बनी रहे, कारण क्या है कि हम परमात्मा की भक्ति बहुत करते थे, सतलोक में मालिक की एक विशेष कसक हमारे अंदर थी, हम अपनी गलती के कारण परमात्मा से विमुख हो गए। और विमुख होकर के हम इस काल के जाल में फंस गए या नीचे आ गए। अब यहां आकर के हम चाहे कार भी खरीद लें, कोठी भी बना लें, संतान भी अनुकूल हमारी हो, फिर भी यहां संतुष्टि नहीं है, आत्मिक शांति नहीं होती। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि हंसा देश सुदेश का, ये पड़ा कुदेशा आए, और जिसका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियावे। आए हाय, ये हंसा देश सुदेश का, ये हंस ये जीवात्मा उस सुदेश की रहने वाली है, सतलोक की, जहां कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, वहां बुढ़ापा नहीं, जरा मरण नहीं। और ये पड़ी कुदेशा आए, इस कुदेश में आगी, गंदे लोक में गिरगी आ गए, और जिसका चारा मोतियां, जिसका आहार परमात्मा की भक्ति रूपी मोती करना होता है, फिर वो गोग्यों क्यों पति आवे। गोगे किसे कहते हैं, जैसे ये छोटे छोटे शंख होते हैं ना, शंख बड़े शंख, और इनसे इसी के आकार की बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लगभग वो 5 mm के मोटे, ऐसे शंख टाइप के होते हैं, गोल गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, ऐसे चक्र से के भी होते हैं, उनको गोगे का आकार है देसी लैंग्वेज में। और उनको ये बुगले खाते हैं, बुगले और हंस एक ही सरोवर पर होते हैं,
हंस केवल मोती खाते हैं और बुगले गोगे खाते हैं, उन कीड़े न खाते हैं। कीड़ों उसमें कीड़ा होता है उस शंख से आकार के, उसके अंदर एक जीव होता है। तो जो मांसाहारी पक्षी हैं वो तो घोगे खाते हैं और हंस उन घोगों को नहीं खाते हैं। तो पुण्यात परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि तुम सतलोक में रहा करते थे, यहाँ आकर तुम चोरी ठगी जारी बकवाद बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सुल्फा गांजा भूकी अफीम ये अड़ंगा खान लाएंगे। पुणात्माओं जब इस आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि हम बहुत गलती कर रहे हैं, जो पिछली संस्कारी आत्मा होती है वो तुरंत बुराई त्याग देती है, वो फिर दोबारा उस बुराई को स्टार्ट नहीं करती। क्योंकि जिनका चारा मोतियां, अब जैसे सारा दिन एक पेट की खातर देखा देखी होड में बड़ी कोठी बनाने के लिए, बड़ी कार खरीदने के लिए है, आसपास के मोहल्ले में 10 आदमियों को बड़ा पैसे वाला है, तो वो इस उद्देश्य से ना जाने केक के जुल्म करता है। 2 नंबर के काम की तरह रिश्वत खोरी मिलावट और चोरी ठगी कुछ भी करना पड़े, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की इस महिमा से परिचित हो जाता है, फिर वो ये घोगे नहीं खाता, वो ये घोगे नहीं खाता। फिर अनसा देश सुदेश का पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतिया वह घोग्यों क्यों पति आवे। अब ये मोती कौन से हैं? राम नाम के मोती, सत्संग रूपी मोती, उन हंस आत्माओं को अच्छे लगते हैं जो इनका आहार होता है। पहला रागनी सुना करते, फिल्मी गाने सुने जाते। पुण्यात्माओं, एक फिल्मी गाना हिट होता था, उसको सुनते थे सुनते थे, 5-4 बार सुने पाछे वो मन उसको रिजेक्ट कर देता था कि ना ये और चाहिए कोई नया। ये मन एक राजा है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योति निरंजन का एजेंट है, ये उसका ही अन्य रूप समझो। और आत्मा का आहार जो है वो परमात्मा की चर्चा सुनना होता है, परमात्मा के गुणगान करना इसका स्वभाव होता है। तो जिस समय इसको ये मोती मिल जाते हैं आत्मा को, फिर ये मन की नहीं चलने देती, ये आत्मा फिर मन की का सहयोग नहीं देता। और पुण्यात्माओं, हम आरती करते हैं सुबह, रमणी करते हैं असुर निकंद रमणी आफ्टरनून, और संध्या आरती करते हैं, सुबह सुबह नित्यनेम करते हैं, और ये मंत्र जाप करते हैं जो जाप करने का आपको नाम दे रखे हैं, हम डेली करते हैं, और प्रतिदिन इतना आनंद आता है, गदगद आत्मा होती है। अब उन नकली बनावटी वाणियों से, गानों से, चाहे भले ही वो कितने साजबाज के साथ वो बोले गए हैं, फिर भी वो आत्मा का आहार नहीं है। और ये आहार है आत्मा का, इसने लाखों बार गा लिया, हमने लाखों बार सुना लिया सत्संग, उतना ही प्यारा लगता है, क्योंकि भूख है आत्मा में। और जब तक यह भूख है तो हमारी भक्ति स्वस्थ है, और यह भूख समाप्त हो जाती है, आनाकानी करने लग जाता, फिर देखांगे सत्संग में आज आरती नहीं करते, आज नित्य मंत्र नहीं करते, कोई ना मूड बन रहा, तो ये अस्वस्थ हो चुके हैं आपकी आत्मा। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहते हुए भी मंत्र शुरू कर दे, शुरू शुरू में ये ना भी टक्के तो ना टक्कन दे, पर अपना शरीर से लग्या रहे, कुछ देर के बाद ये अपने आप सेट हो जाता है, क्योंकि आत्मा में कोई ऐसा फिर से दोष उत्पन्न हो रहा था, वो इसी ट्रीटमेंट से समाप्त होता है, मंत्र से ही समाप्त होता है। परमात्मा की वाणी पढ़ने लग जाए, उससे आनंद आता है, फिर नाम शुरू करने कर दे। तो इस प्रकार इसको हमने ये मोती खिलाने हैं अपनी प्यारी आत्मा को, हमने मोती खाने हैं, ये आत्मा भगवान के सत्संग रूपी मोती के बिना ये भूखी थी। पुण्यात्माओं, जो पहले सत्संग सुनना भी नहीं पसंद करते थे,
राम नाम की चर्चा चलती थी तो उठ के चालन ने जी कराया करता था। अब वही पुण्यात्मा चाहे तीन तीन घंटे चार चार घंटे सत्संग की चर्चा चल पड़े, उठ नहीं सकते। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।